So, hello guys, once again, welcome back to our YouTube channel, Nursing Education. So, friend, एक शानदार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी की अपडेट को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं. दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5000 प्लस आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है आ चुकी है. पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों. और दोस्तों, ऐसी तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी. नर्सिंग एंड मेडिकल जगत की हर एक इन्फॉर्मेशन, तो आप सब लोग फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, एंड बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आपके पास आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलती रहेगी. तो वीडियो में बताएंगे कहाँ की वैकेंसी है और कितना पेमेंट है, क्या सैलरी रहेगी अपनी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और उसके बाद में लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला, सारा ए टू जेड इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है हमारा नर्सिंग एजुकेशन नाम से, वो आप सबने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब लोग जाके जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें. वहां से वहां पे 5500 से ज्यादा लोग वहाँ ऑलरेडी इस वैकेंसी की हर एक वैकेंसी की पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सब लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें. चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं कि कहाँ की वैकेंसी है. नेशनल हेल्थ मिशन मुंबई महाराष्ट्र की ये वैकेंसी रहने वाली है. जी हाँ दोस्तों, मुंबई की वैकेंसी रहने वाली है. बताया गया कि एनएचएम महाराष्ट्र इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ. जी हाँ दोस्तों, आपका जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है, ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग होगी आपकी सीएचओ में. महाराष्ट्र की ये वैकेंसी रहने वाली है. उसके बाद में दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि जी हाँ, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपकी पोस्ट रहने वाली है. उसके बाद में एलिजिबिलिटी, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है. तो दोस्तों, बात करें अपन बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन, जी हाँ, जिन्होंने बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन कर रखा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद में बैचलर इन यूनानी मेडिसिन, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. बैचलर इन नर्सिंग है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद में दोस्तों, अपन बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी आपको, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है. जी हाँ दोस्तों, सब सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है. जैसे की बात करें थाने है, उसके बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बता रखी सब लोग की, पुणे भी रहेगी, और उसके बाद में सातारा, और उसके बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रखी है. जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अच्छी लगे वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज करें. बहुत अच्छी पोस्टें हैं दोस्तों, 5000 प्लस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है. और दोस्तों, टोटल 34 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये पोस्ट रहने वाली है. उसके बाद में दोस्तों, बात करें सबसे बड़ी बात की सैलरी क्या रहने वाली है आपकी इस पोस्ट के लिए. जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है. मैंने बताया थी आपको पहले भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, यहाँ पे 55,000 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है पर मंथली. जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट सिलेक्टेड एज द ट्रेंड विल बी पेड एंड ऑफ द आरएस 10,000 पर मंथ. जी हाँ दोस्तों, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी 6 मंथ की, ब्रिज कोर्स चलेगा, तब तक आपकी 10,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है. उसके बाद में दोस्तों, आफ्टर अपॉइंटमेंट, आफ्टर ये जो एज सब सेंटर विल बी पेड बेस सैलरी ऑफ द 25,000 पर मंथ एंड कंसोलिडेटेड 15,000. जी हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव. जी हाँ दोस्तों, दैट मीन्स 25 + 15 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है सीएचओ के लिए. उसके बाद में दोस्तों, और भी आपको सैलरी मिलने वाली है. थर्ड नंबर पॉइंट पे बात बता रखा आपको कि सीएचओ वर्किंग इन हार्ड ऑफ द हार्ड टू रिच एरिया ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिसाइडेड बाई स्टेट विल बी पेड एडिशनल इंसेंटिव 15,000. जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपका ट्राइबल एरिया के अंदर ड्यूटी करेगा उनको 15,000 है वो सैलरी एक्स्ट्रा मिलने वाली है. जी हाँ दोस्तों, दैट मीन्स 25 + 15 + 15 टोटल मिला के आपको सैलरी मिलने वाली है 55,000 सीएचओ के लिए रहने वाली है महाराष्ट्र मुंबई में. उसके बाद में दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये तो मैंने बता दिया, वो आपको क्वालिफिकेशन जीएनएम बीएससी और आयुर्वेदा के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, वो अपन बात करते हैं. प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, आपको फॉर्म है वो अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता रखा है एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोज एंड डिमांड ऑफ द ड्राफ्ट एट ऑफिस एट द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विस. जी हाँ, उसके बाद में दोस्तों, ये आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड से रहने वाला है.
जी हाँ, आपको ड्राफ्ट में डीडी बनानी होती है, उसके बाद में फॉर्म है वो ड्राफ्ट में बना के आपको मेल पे मेल भेजना होगा, और लास्ट डेट रहने वाली आपकी 20/12/2022, 20 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। शाम को 6:15 तक आपके फॉर्म है वो लिए जाएंगे, बाय द पोस्ट आपको मेल भी कर सकते हो या फिर बाय द पोस्ट है आपको सेंड करना होगा। और दोस्तों बात बता करें क्या लोकेशन रहने वाला है फॉर्म सेंड करने का, तो बता रखा है आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो बता रखा है इन डिस्ट्रिक्ट पे आप सेंड कर सकते हो, कोई भी एक लोकेशन पे आप सेंड कर सकते हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता रखा है कि फॉर्म आपको कहाँ सेंड करना होगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अपन सिलेक्शन प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन कैंडिडेट सर्टिफाइड प्रोग्राम इन द कम्युनिटी हेल्थ विल बी डन थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम होगा बिल्कुल परसेंटेज बेस, ये वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करें कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये आपके एडमिट कार्ड वगैरह है सारे वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो आप सब लोग जो इसकी NHM की वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एजुकेशन वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, तो सब लोग जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद में दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा वो बात कर लेते हैं अपन। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करें 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और कंपैरिजन बात करें तो ईच क्वेश्चन ऑफ द 2 मार्क्स। जी हाँ, प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के रहने वाले हैं, और उसके बाद में पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं आपके 40 मार्क्स। दैट मीन्स आप 20 क्वेश्चंस 50 में से राइट कर रहे हो तो आप क्या हो, एलिजिबल हो CHO के लिए। उसके बाद में दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो जी हाँ, रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट, हाँ जी हाँ, रिजल्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद में एग्जाम सिटी की बात करें तो दोस्तों आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोग्राम कैंडिडेट विल बी हैव अपीयर फॉर द एग्जिस्ट एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड बाई द MLHU NAIC नासिक। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में एलोटेड आपके सब सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिलेंगे। उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका बॉन्ड भी रहने वाला है। जी हाँ, बता रखा है आपको यहाँ पे कि ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट हैज साइंड अ बॉन्ड ऑफ द 1,03,000। जी हाँ, 1,30,000 आपका बॉन्ड रहने वाला है। जी हाँ, 1,03,000 सॉरी आपका बॉन्ड रहने वाला है, वो भी आपके 3 ईयर के लिए। जी हाँ, 3 ईयर की आप सेवा देते हो, उसके अंदर आप यदि जॉब को रिजाइन देते हो तो आपको 1,03,000 आपको बॉन्ड भरना होगा। उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो ये आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो सब लोग जाके ज्वाइन कर लें। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस की बात करें अपन, जी हाँ, 38 ईयर तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा, और फॉर्म फीस की बात करें तो आपको ₹350 फीस रहने वाली है, और उसके बाद में जनरल कैंडिडेट है उसमें इनके लिए ₹500 फीस रहने वाली है। ये आपको वेबसाइट दे रखी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो, www.nrhmmaharashtra.gov.in ये आपको वेबसाइट रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों फॉर्म है वो आपका ऑफलाइन मोड से रहेगा, और बाय द पोस्ट आपको भेजना होगा। क्या परफॉर्मर रहने वाला है वो अपन बात कर लेते हैं। ये दोस्तों आपका फॉर्म रहने वाला है, जी हाँ, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एप्लीकेशन फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फॉर्म रहने वाला है, यहाँ पे आपको फोटो अटैच करना होगा। तो सारा जो ये फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो सब लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, या फिर डायरेक्ट जाके नर्सिंग एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको पूरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा PDF है दोस्तों, 99 पेजेस का आपका PDF रहने वाला है, तो बहुत बड़ा PDF है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सब लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और बहुत बड़ी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए नर्सिंग एजुकेशन लेके है, तो आप सब लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए इस वैकेंसी का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू, बाय।